यूट्यूब चैनल पे फ्रंट शिफ्ट छूटने वाली है और बताते हैं आज का पेपर कैसा रहा। भैया आपके कितने स्कोर रहा है? 133। 133 रहा है। मैथ्स का लेवल कैसा रहा है आज का? मैथ्स का लेवल हाई था सर। अच्छा, 60 नंबर का मैथ्स पूछा गया है। जी जी जी। अच्छा, और कोई नंबर आप क्वेश्चन इधर आ जाइए थोड़ा सा। और कोई नंबर आप क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा कम ज़्यादा वेटेज रहा हो? सर ये तर्क शक्ति वाले जो आकृति वाले आते हैं ना। जी, रीजनिंग है ना। हाँ, रीजनिंग जी। और MPGK में क्या पूछा गया आज? MPGK में जो करेंट अफेयर्स के टाइप पूछा। कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो? कभी क्वेश्चन है जैसे कि ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में पूछा गया है। अच्छा, कोई खेल वगैरह से पूछा गया? हाँ, खेल वगैरह से क्वेश्चन था। अच्छा, कोई प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित? और हिंदी में रचनाएं पूछी गई है। जी जी। छंद अलंकार? हाँ, रस छंद अलंकार रूपक अलंकार बहुत सारे पूछे गए। ओके सर, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? एससी कैटेगरी से। और हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है लैब में? हाईएस्ट स्कोर सर पता नहीं है मुझे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ तो सर, आपका कितना स्कोर रहा है? 116। और आप कहाँ, कौन से ज़िले से आए? ये नीमच से। अच्छा, मैथ्स का लेवल कैसा रहा है आज का? मैथ्स का बढ़िया था। मैथ्स तो सिंपल ही थी। मैथ्स रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन जो थे, मतलब थे जो, मतलब जिनके आंसर मतलब नहीं बन रहे थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे रीजनिंग के थे और 2-3 मैथ्स के भी थे जी। बाकी हिंदी थोड़ी सी टफ पूछी आज। हिंदी में 3-4 क्वेश्चन रचनाओं से आ रहे हैं। हिंदी में 3-4 क्वेश्चन रचनाओं से आ रहे हैं, मतलब इंग्लिश तो लगभग अपने ज़्यादा टफ ही था, मतलब इंग्लिश का तो अपने को। अच्छा, मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का तो लगभग जिस, मतलब पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं है, बराबर बात है। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन 60-65 बता रहे हैं, क्या ऐसा ही रहा है? हाँ, लगभग मैथ्स रीजनिंग का यही था, 60 के लगभग। यानी कि इस शिफ्ट में हिंदी भी थोड़ी सी टफ पूछी गई है ना? हिंदी टफ थी। और कंप्यूटर की भी बात करें तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन मतलब मतलब ऐसे आ रहे हैं जो अपनों ने शॉर्टकट किए वगैरह, जो और दिनों से कुछ देखेगा ना वैसे क्वेश्चन नहीं है। जी जी। रहा है 119 रहा है सर लेवल। सुबह के पेपर से देखा जाए तो आज जो इवनिंग पेपर है, यानी कि कट कर अपनों ने शॉर्टकट किए वगैरह, जो और दिनों से कुछ देखेगा ना वैसे क्वेश्चन नहीं है। जी जी। बाकी अपन देखें ऐसे तो मतलब क्वेश्चन कंप्यूटर से भी डीप से पूछ रहे हैं। जी, कोई शॉर्टकट की नहीं पूछी गई है? शॉर्टकट एक भी नहीं आई थी। MS Excel पावर पॉइंट वगैरह से? MS Excel पावर पॉइंट वगैरह से कोई क्वेश्चन? MS Word कोई क्वेश्चन नहीं था। साइंस से क्या क्वेश्चन बैठे हैं सर? साइंस भी थोड़ी सी थी। साइंस लगभग कुछ क्वेश्चन अपने सिंपल ही थे। बाकी जैसे कि हम साइंस की बात करें तो एल्किन का एक सूत्र पूछा गया था। जी जी। कि क्या सूत्र होता है, Cn2n+1 ऐसा कुछ करके था। 2-3 ऑप्शन थे। और GK की बात करें तो MPGK में 3-4 क्वेश्चन ठीक बैठ गए थे। बाकी GK भी मतलब करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन आए थे। आपके स्कोर कितना रहा है सर? 116। लैब में हाईएस्ट? लैब में हाईएस्ट एक तो मेरा था 116 और एक और भैया था उनके 116। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। उसके बाद एकदम से मैथ्स से। तो भैया आपका स्कोर क्या रहा है? सर मेरा स्कोर रहा है 109। 109? यस, 109 जी। और सर शुरू शुरू में क्वेश्चन तो अच्छे आए थे जी, जी। बट उसके बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ते गया, थोड़े कुछ मैथ्स के थोड़े रीजनिंग के से क्वेश्चन घुमा के दिए हैं जी, कि जी। पेपर तो अच्छा था, है ना जी। और हिंदी के क्या क्वेश्चन पूछे गए? तत्सम, उपसर्ग वगैरह ये सब पूछे, संधि वगैरह, समास ये सब पूछी थी। छंद अलंकार से क्वेश्चन? छंद अलंकार नहीं, उससे एक भी क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग सिंपल है कि कठिन है? रीजनिंग तो कठिन ही आई थी, ऑब्वियसली वो तो आती है कठिन जी जी जी। मैथ्स? मैथ्स अच्छा, सिंपल है, ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा सरल भी नहीं था, अच्छा था। क्वेश्चन एडवांस के पूछे गए हो? एडवांस के? एडवांस में कुछ नहीं, बस वही पूछा था कि रेशो वाले पूछे थे, रेशो दे रखा था, उसे तीसरा रेशो निकालना था जी जी। भाई अपने रेशो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, MPGK का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद हो? MPGK का था ना कि बताया था कि छिंदवाड़ा के पास में कौन सा जिला है जो MP और छिंदवाड़ा दोनों में लगता है। 4 ऑप्शन जी जी। सीहोर, बालाघाट, जबलपुर और खरगोन। जी जी जी, ये था उसमें। मतलब संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना जी। हाँ, आ रहे सर। आपका स्कोर? 109। और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ओबीसी। ओके सर, थैंक यू। 199 रहा है? नहीं, 119। 119 रहा? इतना तो नहीं है। इतना नहीं हो सकता, सॉरी। अच्छा, लेवल कैसा पूछा गया? लेवल आज का मेरे को तो मॉडरेट ही लगा है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा ऐसा लो है, मॉडरेट ही था। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में कितने क्या पूछे जा रहे हैं? अच्छे क्वेश्चंस थे, रीजनिंग अच्छे थे जी, सिंपल ही थी। सिंपल थी, सिंपल। अच्छा, आने वाले विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इंग्लिश का देखा जाए तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो बहुत आए हैं, उस पर ज़्यादा जरूरत है, सबसे ज़्यादा वही पूछे गए जी।
और फिर मैथ्स का देखें अपन तो बेसिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं जो है अपने मतलब वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन, सुबह साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज उसका तो एक आध क्वेश्चन था मैक्सिमम, डाटा एंडिंग डाटा का नहीं था, एक आध दो क्वेश्चन था और डी आई वी आई आया था। अच्छा अच्छा, मैट्रिक्स से तो नहीं पूछे जा रहे रीजनिंग में? मैट्रिक्स का नहीं था, मैट्रिक्स जी। तो आपका स्कोर क्या रहा है? मेरा 119 रहा है। 119 रहा है। सर आपका? 124 रहा है, यानी क्या हाईएस्ट आप ही का होगा लगभग? हाँ ऐसा तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा मतलब पेपर इंग्लिश थोड़ा टप आती है, मतलब जी जी काफ़ी टप आती है ऐसा। और मैथ्स का क्या हालचाल है सर? मैथ ठीक है, रीजनिंग भी अच्छा बनने लायक आ रही, कोई कैलकुलेटिंग क्वेश्चन आ रहे? हाँ कैलकुलेटिंग क्वेश्चन, रीजनिंग में बहुत कैलकुलेटिंग थी जी। सर आपका क्या रहा है स्कोर? 125 रहा है। और मैनेजमेंट मैनेजमेंट तो लॉजिकल आ रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है जी जी। थैंक यू। भैया रिव्यू देना चाहिए? पेपर नहीं था, वो दोस्त के साथ में। ओके ठीक है। आपका स्कोर कितना रहा है सर? 119। अच्छा तो किस तरह से आज के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले? पेपर में वैसे मैथ्स के और थोड़ा सा रीजनिंग के थोड़ा से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा जैसे मतलब रीजनिंग बात करते हैं अपन, रीजनिंग में लॉन्ग पैटर्न में आ रहा है वो, पूरी एक लाइन आती है उसके बाद उसको अपने को सोल्व करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइमिंग का ज़्यादा इशू आ रहा है। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं आया था, सीरीज आई थी, सीरीज और अल्फाबेटिक सीरीज आई थी, और आपने रीजनिंग में जैसे पासे के क्वेश्चन आए थे जी। रक्त संबंधी? रक्त संबंधी नहीं आया था जी। और जैसे बाकी जैसे अपन कह सकते हैं वो अल्फाबेटिक जो क्वेश्चन आते हैं नंबरिंग सिस्टम वाला जैसे जी, वो भी क्वेश्चन आपका। एनोलॉजी से क्वेश्चन बैठ रहे हैं सर? नहीं एनोलॉजी से नहीं मिला। अच्छा और वो देखा जाए तो अपने जीके का कैसा लेवल रहा है सर? जीके में मैक्सिमम जैसे कुछ जैसे क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ के पास में निम्न में से कौन सा जिला है, चार पांच क्वेश्चन थे उसमें से जी जी। तो ऐसा था। और जीके में और जैसे ये पूछा गया था कि सलमान खान का जन्म स्थल जो एमपी में है वो कौन सा जिला है, वो जी जी। वो स्थान पूछा था जी। एक वो और कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बने हुए थे मैक्सिमम तो जी। और जैसे हिंदी में हम बात करें तो चार सुमित्रा पंत की चार पांच की कुछ भवानी प्रसाद, हाँ भवानी प्रसाद मिश्र की इनकी रचनाएं आई थी जी। और एक दो रचनाओं का नाम भी दिया गया था, वो पूछा गया था कि रचनाएं किससे संबंधित हैं जी। थैंक यू सर। थैंक यू। चिपटे उसमें 125 नंबर सबसे हाईएस्ट रहे हैं, लगभग देखा जाए तो सभी पेपर जो हैं वो थोड़ा सा टफ होते जा रहे हैं, दिन ब दिन पेपर की जो कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है, उनका लेवल जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो आप सब लोग तैयारी में जुटे रहिए और बिल्कुल आपको जितना आता है उतना बेटर कीजिए, जितना आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा।